ऐसे में उन्होंने जो अपना कहा वो शब्द, ना तो डोटासरा जी भी उस रोज बैठे हुए थे, टीकाराम जी हमारे प्रतिपक्ष के नेता भी बैठे हुए थे, अभी आप उस गलती को स्वीकार कर रहे हैं। आपको भी तो उस समय कह के आपका दायित्व बनता था कि भाई हमने ये बात सुनी है, हम इस बात के लिए जो है खेत प्रकट करते हैं, उस समय आपको ये बात कहनी चाहिए थी। माननीय अध्यक्ष जी, अरे बैठिए एक दूसरे का, मैच चलाओ तो चलाओ घंटे भर। चूंकि माननीय डोटासरा साहब ने अपने वक्ताओं में अभी ये बात कही, केवल इस विषय तक सीमित रखे सभी को, उन्होंने बताया कि मैं सभापति के रूप में आसन पर बैठा हुआ था और मैंने टोका नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि आपकी व्यवस्थाओं से ये सदन चलता है और जिन नीतियों और परंपराओं को आपने एक आदर्श रूप में इस सदन में लागू कराया, उसके लिए हम सब आपका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद भी देते हैं। परंतु उस दिन जब आपके आसन की शक्तियां आप अपने आसन पर छोड़कर हमें आदेश देकर चले गए थे और सभापति के रूप में मैं वहां बैठा हुआ था और इनकी जो व्यवस्था थी, इनके दल की जो व्यवस्था थी, उसमें 30 मिनट का समय माननीय धारीवाल साहब को दिया गया था। मैंने 30 मिनट तक बुलवाने के बाद भी 2-3 मिनट तक उनकी बात पूरी होने दी और उनकी बात पूरी होने के बाद फिर मैंने कहा आप विराजे। फिर मैं जब उनको विराज बैठाने के लिए प्रयासरत था, ऐसे में उन्होंने जो अपना कहा वो शब्द, ना तो डोटासरा जी भी उस रोज बैठे हुए थे, टीकाराम जी हमारे प्रतिपक्ष के नेता भी बैठे हुए थे, अभी आप उस गलती को स्वीकार कर रहे हैं। आपको भी तो उस समय कह के आपका दायित्व बनता था कि भाई हमने ये बात सुनी है, हम इस बात के लिए जो है खेत प्रकट करते हैं, उस समय आपको ये बात कहनी चाहिए थी। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं सदन से चला गया और शाम को 6 बजे मैंने जो है टीवी चैनल्स और मीडिया में उस चीज को देखा सुना, तब मेरी वो जानकारी में विषय आया। मैं समझता हूं कि जिस भाव से, जिस तरह से भी माननीय जो हमारे सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं और बहुत 82 साल की जिनकी उम्र है, उनके मुंह से जो शब्द निकला है वो किसी भी भावावेश में निकला हो या उनके किसी भी भाव के कारण निकला हो, परंतु जो भी उन्होंने कहा है मैं समझता हूं कि वो खुद अनुभवी है और उनको इस विषय में खुद अपनी बात रखनी चाहिए कि किस प्रकार से वो इस सदन की गरिमा को, जो ऐतिहासिक गरिमा है जिनकी हम सब, जो हम तो सब छोटे लोग हैं और नए नए बहुत सारे सदस्य आए हैं, जो सदन की गरिमा को बना सके, परंपराओं पर चल सके, नियमों पर चल सके, इतना ही।